तो जैसा कि हम अभी आए हुए हैं बिग वे बीच पे, हाँ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ, इस बीच पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसा कि आप नहीं मिली बीच पे तो बहुत सैलरी है देख सकते हैं सामने। अबे भाई ये बाइक बड़ा कुछ कह रहा है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो बीच का कुछ नज़ारा ऐसा है जैसे देख सकते हैं आप, और माशाल्लाह काफ़ी ग्रीन है चारों तरफ, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जहाँ तक ऐसा कुछ है नज़ारा। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत उन्होंने झूले वूले बनाए हुए हैं, जो करीब से मैं दिखाता हूँ आपको, मैं उधर ही बढ़ रहा हूँ। और उससे पहले कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये पहले जब हम मिट्टी के घरों में रहा करते थे, मैं तो मेरा बचपन तो मिट्टी के घरों में बीता है तो मैं जानता हूँ, तो इसको खपरेल बोलते हैं हम लोग, इसको इसी से घर बनता था, घास को सजा के उसके बाद इसको ऊपर से लगाया जाता था, तो ये भी खपरेल है, मिट्टी से बना हुआ है ये, और ये यहाँ पे लगाया जाएगा बाद में, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे, तो बहुत ही काफ़ी ट्रेडिशनल लुक देने के लिए ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, और बहुत ठंडा भी होता है ये मिट्टी के घर में। जो खपरेल के मकान होते हैं अगर उसमें कोई रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और ये है झूले, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा है कुछ नज़ारा दूर दूर तक बीच का। ऐसा है कुछ नज़ारा, और इसके आसपास आप वर्ल्ड बीच को भी देख सकते हैं, ये वर्ल्ड बीच है आगे, और ये नया बीच बन रहा है अभी। इसको तो मैं नहीं जान रहा हूँ, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है ये ट्री, और इसका फ्रूट भी है यहाँ पे, कुछ बेर टाइप का दिख रहा है ये। बट बड़ा खूबसूरत दिख रहा था तो मैंने कहा चलो इसका थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। और बीच पे जितनी ग्रीनरी है उतना ही बढ़िया है। अभी मैं आ गया हूँ बीच पे, और बीच के नज़ारे दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारे हो रहे हैं आप सामने देख पा रहे हैं, और मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ दिखाता हूँ। पहले ये बैठने का हुआ करता था, अभी ये टूट गया, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ गया था तो उसके वजह से ये टूट गया है, आप देख सकते हैं। और एक यहाँ भी है जो देख पा रहे हैं आप, ये भी पानी का लेवल बढ़ने की वजह से देख रहे हैं कि ये रसाई हो गया है पूरी तरह से। वाह, और अच्छा भी लग रहा है देखने में, और पानी का लेवल आप देख सकते हैं ये है, धूप भी आ रही है जा रही है, सूरज मामा कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, मिट्टी का मौसम है आज।
जी जी आता हूँ। आप वहाँ थे, मैं सोचा आप नहीं हो। और चल रहे हैं बैक टू पवेलियन, घर की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं भाई साहब। और बीच में पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा है, काफ़ी दिख रहा है। ये है आपका एग्जिट पॉइंट, और यहीं से एंट्रेंस भी है ना।